तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 हेतु कक्षा 9 भी हिंदी विषय के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर जानने वाले हैं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज मैं यहाँ पर आपको त्रैमासिक परीक्षा के लिए कक्षा 9 भी हिंदी विषय के वेरी मोस्ट टाइम के क्वेश्चन और उनके आंसर बताने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 9 भी हिंदी विषय के पेपर में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके पूछे जाएंगे। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग इन क्वेश्चन आंसर को एक बार अच्छी प्रकार से याद जरूर कर लो, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन आंसर है जो कि बिल्कुल आपके पेपर में छपने वाले हैं। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपके पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आपको त्रैमासिक परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। तो चलो सबसे पहले हम दो अंक वाले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि दो अंक में आपसे त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 9 भी हिंदी विषय के पेपर में पूछे जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपके जो 30 अंक के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आते हैं, उनकी तैयारी मैं अलग से करवाने वाला हूँ। इस वीडियो में हम केवल और केवल 2 अंक वाले, 3 अंक वाले और 4 अंक वाले क्वेश्चन ही देखने वाले हैं। तो आप सब लोग यहाँ से इनको अच्छी प्रकार से तैयार जरूर कर ले, जिससे कि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको अच्छे से लिखकर आ सको। तो देखिएगा, 2 अंक वाले क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ से आप लोग देख सकते हो, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, पति पत्नी ने मेहमानों के लिए भोजन में कौन कौन सी चीज़ें बनाई थी। वेरी मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको पेपर में देखने को मिलेगा। और देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये 2 अंक में पूछा जाता है, तो यहाँ से आप सब लोग इसको अच्छे से कंप्लीट जरूर कर लें। तो देखो, यहाँ पर जो उत्तर लिखा गया है इसको पढ़ सकते हो, पति पत्नी ने मेहमानों के लिए भोजन में भुजिया, लड्डू, बर्फी, खीर पूरी आदि चीज़ें बनाई हैं। तो यहाँ से आप सब लोग इसके उत्तर को भी देख लीजिएगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैंने आपको ये क्वेश्चन और इसका उत्तर बता दिया है। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो, अगला क्वेश्चन ये लिखा है, ये भी वेरी मोस्ट टाइम पी है, जल के भीतर वृद्ध मछली ने सभी जीव जंतुओं से क्या कहा। तो देखिएगा, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा क्या कहा, ब्याह सूर्य का ठीक, मगर तुम इतनी बात नहीं भूलो, अगर सूर्य ने ब्याह किया तो 10-5 पुत्र जन्माएगा। तो यहाँ से आप सब लोग इसको भी देख लीजिएगा, ये आपका प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और वेरी मोस्ट टाइम पी क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो, एक ही वाला क्वेश्चन, और ये सभी के सभी जो क्वेश्चन है ना, अधिकतर आपके ब्रिज कोर्स में से हैं, क्योंकि आपको पता है कि त्रैमासिक परीक्षा का जो पेपर होता है आपका, उसमें अधिकतर ब्रिज कोर्स के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन को भी देख लें, अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं। तो देखिएगा, अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और अच्छे प्रकार से आप सब लोग इसको याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, डायरी थका हुआ हूँ अब बातें नहीं कर सकता शुभरात्रि, ये वाक्य लेखक ने कब कहा, वह क्यों कहा। तो देखो, इसका उत्तर ये लिखा है, ये वाक्य लेखक ने रन फॉर यूनिटी दौड़ से लौटने के बाद कहा, सोते समय कहा, क्योंकि लेखक थक चुका था और अब वे सोना चाहता था। तो यहाँ से आप सब लोग इसको भी देख लें और पूरा का पूरा इसको भी याद कर लीजिएगा। अब चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो, अगला क्वेश्चन ये लिखा है, बरसात के मौसम में क्या क्या होता है। वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है ये भी, और ये भी आपके ब्रिज कोर्स में से लिया गया है। क्या लिखा है, बरसात में सब तरफ पानी ही पानी बहने लगता है, हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है, देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, त्रैमासिक परीक्षा के लिए ये वेरी मोस्ट टाइम पी क्वेश्चन है, बिल्कुल आपसे पेपर में पूछा जाएगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगले कुछ क्वेश्चन को और देख लेते हैं। तो देखो, अगला क्वेश्चन ये लिखा है, पर्यायवाची शब्द की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो देखिएगा, पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को भी कंप्लीट कर ले और याद कर ले। अब इसके बाद में देखो, अगला क्वेश्चन ये लिखा है, पटवारी भी अपनी नौकरी छोड़कर नमक का दारोगा क्यों बनना चाहते थे। तो देखो, इसका राइट आंसर ये होगा, पटवारी भी अपनी नौकरी छोड़कर नमक का दारोगा बनना चाहते थे, क्योंकि उसे उस समय नमक का दारोगा को रिश्वत खूब मिलती थी। तो देखो, ये उसे नहीं उस कर लेना, क्योंकि उस समय नमक के दारोगा को रिश्वत खूब मिलती थी। तो ये इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो, एक ही वाला क्वेश्चन भी आप लोग याद कर लें, ये बिल्कुल आपके पेपर में आएगा। क्या लिखा है, विलोम शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ से आप सब लोग विलोम शब्द की परिभाषा को तैयार कर ले। क्या लिखा है, जब कोई एक शब्द किसी दूसरे शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ व्यक्त करे तो उसे विलोम शब्द कहते हैं। तो यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को भी कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन और उसका आंसर बता दिया है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग यहाँ से इस क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से कंप्लीट जरूर कर लोगे। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। तो देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन देख लें, कांजी होज में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी।
देखो इसका उत्तर ये लिखा है, देख सकते हो, कांजी होद में केस पशुओं की हाजिरी ली जाती थी, इससे पशुओं की संख्या की जानकारी होती थी ताकि कोई जानवर अगर केस से भाग जाए तो तुरंत पता लगाया जा सके। तो देखो ये आपकी हिंदी का क्वेश्चन आंसर है जो कि आपकी मेन पुस्तक है उसमें से आपसे पूछा गया है, तो आप लोग यहाँ से इसको देख लें और इसको तैयार कर लें। उसका नाम है दो बेलों की कथा, ठीक है ना, ये मुंशी प्रेमचंद का जो पार्ट है ना उससे लिया गया है, तो आप लोग इसको कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। और इसके अलावा देखो एक क्वेश्चन ये भी आएगा आपके पेपर में, मासिक पितृ पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है, ये आपके ब्रिज कोर्स में से हैं और आप लोग इसको अच्छे से कंप्लीट जरूर कर ले। क्या लिखा है, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद कहा गया है क्योंकि वे महीने में एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है, वेतन भी एक दिन आता है, जैसे जैसे माह आगे बढ़ता है वैसे वैसे वे खर्च हो जाता है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लें। और उसके बाद में देखो अगला ये दे रखा है, ओदा निगाह पीर की मजार आमदनी शब्दों के अर्थ लिखिए, देखो इनकी अर्थ क्या क्या होंगे यहाँ पर लिखे गए हैं, तो इनको आप लोग देख लें। और ओदा का मतलब होता है पद, और इसके अलावा पीर की मजार का मतलब होता है नज़र पीर की, और उसके अलावा पीर की मजार का मतलब क्या होता है, निगाह का मतलब तो होता है नज़र, और पीर की मजार का मतलब होता है सूफी संत की दरगाह या कब्र, उसके अलावा आमदनी का मतलब होता है आय, ठीक है ना। एक बार पुनः मैं आपको समझा दूँ, तो देखो ओहदा का मतलब क्या होता है पद, इतना आपको याद करना है। उसके अलावा अब आगे देखें निगाह, तो देखो निगाह का मतलब होता है नज़र। उसके अलावा देखो अब अगला देखें, तो देखो पीर की मजार इसका अर्थ होता है सूफी संत की कब्र। उसके अलावा आमदनी तो इसका मतलब होता है आय, तो यहाँ से आप सब लोग इनकी अर्थ को नोट कर लें। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को अपने पिता से विरासत में कौन कौन से गुण मिले, तो देखो यहाँ से देख ले, कलाम को अपने पिताजी से विरासत के रूप में ईमानदारी, आत्मानुशासन तथा माँ से ईश्वर में विश्वास और करुणा का भाव मिला, तो यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को भी कंप्लीट कर लें। अब इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग समझ लीजिएगा, ये आपका क्वेश्चन है पंडित जसराज की शिक्षा के बारे में लिखिए। तो देखो यहाँ पर आपको पंडित जसराज की शिक्षा के बारे में बताना है, क्या लिखा है, पंडित जसराज के अनुसार उनके लिए एक ही शिक्षा है संगीत की, पंडित जसराज घर के कामकाज में जुड़ गए, इसी वजह से उनकी पढ़ाई लिखाई भी बचपन में ही खत्म हो गई, तो यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को भी कंप्लीट कर लेंगे। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन ये रहा, सतपुड़ा के घने जंगल कैसे हैं, तो देखो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए और ऊँगते और अनमने हैं, ये इसका उत्तर होगा। आप सब लोग यहाँ से इसको अच्छे से कंप्लीट जरूर कर ले क्योंकि ये बिल्कुल आपसे पेपर में पूछा जाता है। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन ये लिखा है, हेलन केलर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो देखो इसका उत्तर ये आ जाएगा, हेलन केलर का जन्म 27 जून 1880 को अमेरिका में तस्काम्बिया नामक छोटे से कस्बे में हुआ था, तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण लिखिए, तो देखो कंठ से उच्चारित का, खा, गा, घा, अणा, ये कंठ से उच्चारित होते हैं, है ना, तो यहाँ से आप लोग देख लें, यहाँ तक का लिख लेना आप, का, खा, गा, घा, ठीक है ना। अब इसके बाद में अगला देखते हैं, भ्रम व ड्रम शब्दों का विच्छेद कीजिए, तो देखो भ्रम का अगर विच्छेद करेंगे तो भ्रम इस तरह से लिखा जाएगा, और ड्रम का करेंगे डरम इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ से आप लोग इनको देख लें। अब इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो देखो ये यहाँ पर लिखा गया है, बचपन की किस घटना ने हेलन केलर को दृष्टिहीन व बधिर बना दिया, देखो इसका उत्तर यह आ जाएगा, एक असाधारण जड़ ने बचपन में हेलन केलर को दृष्टिहीन व बधिर बना दिया। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन, पंडित जसराज की संगीत शिक्षा की शुरुआत किस आयु में हुई थी, देखो पंडित जसराज की संगीत शिक्षा की शुरुआत 4 वर्ष की आयु में हुई थी, कब हुई थी, 4 वर्ष की आयु में, वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन में यहाँ से आपको बता रहा हूँ। आप सब लोग इस वीडियो को चाहे तो रोक रोक कर आप लोग कॉपी में इन क्वेश्चन आंसर को नोट कर लें, ये बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे है। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, तो देखो अगला क्वेश्चन ये रहा, नए शिक्षक ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को बचपन में पीछे की बेंच पर बैठने को क्यों बिठा दिया, तो देखो एक मुसलमान लड़का हिंदू लड़के के साथ बैठना उनके शिक्षक को अच्छा नहीं लगा, तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें। अब इसके बाद में देखो यहाँ से देख लीजिएगा, ये सभी के सभी 3-3 अंक वाले क्वेश्चन हैं, तो यहाँ से आप सब लोग इन 3 अंक वाले क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। तो देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया, तो देखो यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को देख लें, लड़की की माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए बेटी से उस छोटी बच्ची की आत्मीयता हो गई, इसलिए बेलों से उस छोटी बच्ची की आत्मीयता हो गई, लड़की तथा दोनों बेल भी प्यार के भूखे थे और एक दूसरे का कष्ट समझ सकते थे, तो देखो यहाँ से आप लोग देख ले इसके उत्तर को। अब देखो अगला क्वेश्चन ये आया, देख सकते हो, मेहमान, थाली, पत्नी, इन संज्ञा शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए, तो देखो आज हमारे घर मेहमान आ गए,
घर के सभी सदस्य थाली में खाना खा रहे थे। मेहमान की पत्नी घर की साफ सफाई में लगी थी। मोहन की पत्नी घर की साफ सफाई में लगी थी। तो ऐसे आप लोग इनको कंप्लीट कर लें। आपको ऐसे शब्द बनाने हैं, जिन एक ऐसे वाक्य बनाने हैं जिसमें मेहमान शब्द आए, थाली आए, पत्नी आए। तो आप लोग इस तरह के शब्द बना सकते हो। इसकी जगह पर आप कोई इससे दूसरे शब्द भी बनाकर देख सकते हो। अब इसके बाद में यहाँ पे समझते हैं तो देखो क्या आएगा आपके पेपर में। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को छोड़कर चाटकर लिखिए। तो देखो जहरीला सांप में जहरीला विशेषण होगा, गर्म गर्म रोटी में गर्म गर्म विशेषण होगा, खास मेहमान में खास विशेषण होगा। देखो जहरीला, गर्म गर्म और खास इसमें विशेषण है। और उसके बाद में यहाँ पर आपको दिया गया है सूरज का ब्याह कविता की प्रथम दो पंक्तियाँ लिखिए। अब देखो सूरज का ब्याह कविता की प्रथम दो पंक्तियाँ कौन कौन सी है। उड़ी एक अपवाह, सूर्य की शादी होने वाली है, वर की विमल मोर में मोती, उषा पुराने वाली है। तो देखो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, ये सूरज का ब्याह जो है कविता है उससे लिया गया है। तो यहाँ से आप लोग देख ले इसको। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। तो देखो शब्द किस प्रकार के हैं, यहाँ पर लिखा हस्त, स्वप्न, मृतिका, चंद्र, सागपात। तो देखो इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करना है। पंडित जी हस्तरेखा के ज्ञाता है, आज मेरे स्वप्न ने मुझे हिरण दिखाई दिया। और इसके बाद में हिरण मृतिका सी पड़ी रही। और उसके बाद में चारू चंद्र की चंचल किरणें। और उसके बाद में देखो साग साग पर उल्लू बैठा है, ढांक के वही तीन पात। तो इस तरह से आप लोग इनके प्रयोग करके देख लें। अब इसके बाद में देखो यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। पापड़ खाने के लिए मेहमान ने कौन से जुगत लड़ाई। तो देखो पापड़ खाने के लिए मेहमान ने ये जुगत लड़ाई, मेहमान ने कहा मैं बड़े मज़े से सो रहा था, इतने में सरसराते हुए काला नाग आ गया। क्या बताऊँ भाई, इतना लंबा सांप था, यहाँ से लेकर वहाँ तक जहाँ तक पापड़ रखे हैं। तो देखो इसको पूरा का पूरा आप लोग याद कर लें। अब इसके बाद में देखो अगला ये लिखा है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ में वाक्य आपको इसका अर्थ बताना, वाक्य में प्रयोग करना है। तो देखो पहला मुहावरा लिखा है आंखों में धूल झोंकना। तो देखो इसका अर्थ होता है नेता जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, इस प्रकार से आपको वाक्य में प्रयोग करना है। और देखो इसका अर्थ होता है धोखा देना, ठीक है ना। क्या होता है इसका अर्थ, धोखा देना। तो यहाँ से आप लोग लिख लेना, अपना उल्लू सीधा करना, इसका अर्थ होता है अपना काम निकाल लेना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से लिख लें। और उसके बाद में देखो यहाँ पर दिया गया है दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग कर वाक्य में लिखिए। अब देखो विराम चिन्हों का प्रयोग कैसे करना आपको, जैसे कि यहाँ पर कुछ विराम चिन्ह लिखे थे, जैसे कि ये वाला और एक ये वाला, ठीक है ना। अब ये देखो इसको तो कहते हैं प्रश्नवाचक और इसको कहते हैं विस्मयादिबोधक। तो देखो आपका नाम क्या है, इसमें तो प्रश्नवाचक आ जाएगा, और ये अरे तुम कब आए, इसमें आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद में देखो हम प्रश्न यहाँ से हम चार अंक वाले क्वेश्चन को समझने वाले हैं। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि चार चार अंक में आपके पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देख लीजिएगा यहाँ पर चार अंक वाले क्वेश्चन लिखे हैं, जैसे कि काकी, हलवा, व्यंजन, भूड़ी, कचोरी, मेहमान, गाँव, शादी, छात्र, अन्य शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करके आपको एक कहानी बनानी है। आप चाहे तो अपने हिसाब से बना सकते हो, वैसे एक कहानी बनाकर मैंने यहाँ पर आपको दे दी है, ठीक है ना। तो एक कहानी लिखी है, आप स्वयं इसको पढ़ लेना और इन शब्दों का प्रयोग आपको इसमें करना है, ठीक है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, नमक का दरोगा कहानी का सारांश आपको अपने शब्दों में लिखना है। देखो नमक का दरोगा कहानी का सारांश यहाँ से देख ले आप सब लोग, और इसको लिखना भी सीख लेंगे। और इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपको यहाँ पर क्या करना है, अपने प्राचार्य को 3 दिवस के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र याद कर लेना है। और एक यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र बिल्कुल याद कर लेना, ये बिल्कुल आपकी परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। कौन सा याद करना है, शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र, ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों। तो आप सब लोग इनको देख लें और अच्छे प्रकार से इनको कंप्लीट जरूर कर दीजिएगा। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको PDF डाउनलोड करनी हो तो हमारी इस वेबसाइट पर चले जाइएगा, यहाँ पर मैंने आपको PDF उपलब्ध करवा दी है। तो आप सब लोग इस PDF को इस वेबसाइट पर जाकर आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए मैंने पूरी की पूरी PDF उपलब्ध करवा दी है। तो आप सब लोग चाहे तो यहीं से वीडियो को रोक रोक कर इन क्वेश्चन आंसर को नोट कर लें, या फिर आप लोग चाहे तो PDF को खोलना, अगर आप लोग चाहते हो आपके पास में PDF अगर रहेगी तो आप लोग आसानी से इसको पढ़ सकते हो। तो देखो इसके लिए आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा, यहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी। अब इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।